मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन का एक चैप्टर है, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी होती है। ये क्लास 11th में फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। तो इसमें सारा कुछ तो ठीक है, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक्स पे आते हैं तो वहाँ पे एक दिक्कत आती है, रॉड का होता है, डिस्क का होता है, रिंग का होता है। तो उसी उसमें मैंने लाइन से छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, तो उसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक मैं मोमेंट ऑफ रॉड सबसे पहले आप पढ़िएगा, अगर आप चाहे जिस भी वीडियो को खोलिए उसमें ढूंढ लीजिएगा, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रॉड पढ़िएगा। रॉड के बाद आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रेक्टेंगुलर स्लैब। रॉड में क्या होता है कि सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ उसकी नेग्लिजिबल होती है, लेकिन अगर एक रेक्टेंगुलर स्लैब है तो उसकी कोई लेंथ भी होगी और उसकी कोई ब्रेथ भी होगी। तो उस केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए, अगर ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ए बी सी एंड डी, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, क्लियर। और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट पे मान लीजिए निकालना है, क्लियर। तो लेंथ के परपेंडिकुलर अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेंथ के पैरेलल, तो आपका यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, क्लियर, जो मैंने रॉड में बताया था एम एल स्क्वायर बाई 12 लेंथ के पैरेलल। मतलब जैसे आपकी ये लेंथ की पैरेलल है और आपने इस डायरेक्शन में सही करा, तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई वन हो गया लेंथ के पैरेलल। अब आप ब्रेथ के पैरेलल निकालेंगे तो आपका ये चीज़ निकलेगा, तो फोर आई टू, मतलब आप इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो ये आई टू हो गया, आई टू इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई 12, क्लियर। तो अगर हम इस पॉइंट में निकालते हैं आई थ्री, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रेक्टेंगुलर स्लैब क्या होगा, दैट मीन्स एम एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12। आप एम को कॉमन ले लीजिए तो आपका हो गया एम बाई 12 कॉमन ले सकते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर स्लैब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे आपने रॉड में पढ़ा था आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया था एम एल स्क्वायर बाई 12, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो कोई चीज़ बहुत लंबी होती है जब, तो लेंथ की साइड से लेंगे तो एम एल स्क्वायर बाई 12, जब ब्रेथ की साइड से लेंगे तो एम बी स्क्वायर बाई 12। यहाँ पे ये हम सेंटर में ले रहे हैं, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों कोइंसाइड कर रहा है, ये इसका फॉर्मूला है। इसी बेस पर मैं एक क्वेश्चन लेने जा रही हूँ रेक्टेंगुलर स्लैब का। ये अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हटा दें, कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है जिसका कुछ भी वेट है, क्योंकि आपको मास भी चाहिए क्वेश्चन में। तो मान लीजिए उस रेक्टेंगुलर स्लैब का जो वेट है वो मैंने ले लिया, मान लीजिए उसका मास 100 kg है और उस रेक्टेंगुलर स्लैब की जो लेंथ है वो 10 meters है और जो ब्रेथ है वो 2 meters है, एंड यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रेक्टेंगुलर स्लैब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या तो आप अलग अलग निकालिए या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 100/12 इंटू 10+2 होल स्क्वायर, क्लियर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा 100/12 100+4। मेरे ख्याल से अब आप सॉल्व कर लेंगे, 100 × 100 4/12, क्लियर, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 2s are 4 1 5, 2 6s are 12, 2 3s are 6, that means 2600/3, that means we have 3 8s are 24, 25 26, 3 6s are 18, then 3 6s are 18.6. So in this way, kilogram per meter square. So this is the moment of inertia फॉर द रेक्टेंगुलर स्लैब। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको वही फार्मूला जो रॉड का लेके चलना था एम एल स्क्वायर बाई 12, उसमें लेंथ और ब्रेथ को एक साथ ऐड करना है।
अब मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ स्क्वायर स्लैब निकालते हैं, ठीक है। अभी हमने रेक्टेंगुलर स्लैब पढ़ा, अब हम मान लीजिए स्क्वायर स्लैब के लिए निकालते हैं। इसकी चारों साइड्स आपकी बराबर होगी, ठीक है, और इसके चारों कॉर्नर्स पे मान लीजिए मास m है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड दिस विच इज पैरेलल टू दिस, दिस इज आई वन। मान लीजिए ये एक डायगोनल पे जा रहा है ऐसे, तो ये आई टू। तो अगर हम जैसे आई वन के लिए निकालेंगे तो आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर बाई 12। इसी तरीके से इस वाली लाइन के लिए क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर बाई 12। क्लियर। तो अगर अब हम इस पॉइंट को निकालते हैं रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह, तो दिस आई इज इक्वल टू एम एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 विच इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 6। क्लियर। अब मान लीजिए अगर इस तरीके से ना होकर ऐसे डायगोनल से पास हो गया, ठीक है, तो भी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। क्योंकि वहाँ पर भी अगर हम ऐसे देखें तो ये 90 डिग्री जा रहा है, इसी तरीके से इधर से भी ऐसे जाएगा। तो मान लीजिए कि मैंने लिया आई थ्री और ये आई फोर, इसकी वैल्यू भी एम एल स्क्वायर बाई 12, इसकी वैल्यू भी एम एल स्क्वायर बाई 12। तो यहाँ से हमने देखा आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर। क्लियर। अब मान लीजिए मैं एक दूसरा केस ले रही हूँ कि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसको रब कर रही हूँ, कभी कभी पूछते हैं फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ इट्स कॉर्नर। फॉर एग्जाम्पल हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन पे निकालना है, इस कॉर्नर पे निकालना है यहाँ पर, तब हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल जा रही है, ठीक है, ये इस लाइन के पैरेलल होगी। क्लियर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो थ्योरम्स होती हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में क्या होते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द सेंटर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज एट द डिस्टेंस आर, मतलब इस सेंटर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और यहाँ से यहाँ तक का जो पैरेलल डिस्टेंस है उसकी वजह से यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो इस सेंटर पर मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 6। क्लियर। अब इस कॉर्नर पे हमें निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास तो आपका एम हो गया, अब आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये आपकी स्क्वायर की साइड कितनी है एल, आपका ये डिस्टेंस कितना हो गया एल अंडर रूट 2 पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसका आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल अंडर रूट 2 बाय 2, दैट मीन्स आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल बाय रूट 2, ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा एल बाय रूट 2। क्लियर। तो आपका इस कॉर्नर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम एल बाई रूट 2 होल स्क्वायर आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 6 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स वी हैव 6 एम एल स्क्वायर प्लस 3 एम एल स्क्वायर, दैट मीन्स वी हैव 4 एम एल स्क्वायर बाई 6, दैट इज 2 बाई 3। तो यहाँ पर इस कॉर्नर से जब जा रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/3 एम एल स्क्वायर। इस तरीके से रेक्टेंगुलर स्लैब स्क्वायर स्लैब के सेंटर से विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन
और किसी कॉर्नर पर स्क्वायर स्लैब के केस में हम किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्क्वायर स्लैब के, तो कभी कभी दो तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी स्क्वायर में हमको किसी कॉर्नर पे निकालना है, लेकिन कॉर्नर के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायगोनल के पैरेलल जा रहा है, पैरेलल टू प्लेन ऑफ द डायगोनल बीडी, अगर इस तरह से पूछा गया है, और अगर इस तरह से पूछा गया है कि कॉर्नर पे निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन उसके साथ ही साथ वो पैरेलल है परपेंडिकुलर टू एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस स्क्वायर। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ स्क्वायर लाइक दिस, इफ देर इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस स्क्वायर, सो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस स्क्वायर, तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर जाएगी तो किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और जब एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी डायगोनल के पैरेलल होगी तब आप क्या निकालेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन में दिया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है कॉर्नर पर, एंड ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब आपका ये वाला केस होगा, और अगर पैरेलल टू डायगोनल होगा तो ये केस होगा। दोनों केसेस में आंसर अलग अलग आते हैं, तो इस केस में जो आंसर आएगा तो आपका ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है, प्लेन ऑफ द पेपर है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ml स्क्वायर बाई 6 यहाँ पर इस आई वन पे, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो मैंने अभी आपको बताया l बाई रूट 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका l रूट 2, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा l बाई रूट 2, फिर आपका ये परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आंसर आएगा ml स्क्वायर बाई 6 प्लस m l बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। आपका जब ये सॉल्व हो गया तो ये आ जाएगा 6 एम एल स्क्वायर एंड 3 एम एल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 एम एल स्क्वायर बाई 6, दैट इज 2 बाई 3 एम एल स्क्वायर, जब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, लेकिन इस डायगोनल के ये पैरेलल है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, आप इस पॉइंट से ये डिस्टेंस देखिए, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस देखिए, और इस पॉइंट से आप ये डिस्टेंस देखिए, तो आपका मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर। इसके बारे में मैंने अभी आपको डिटेल में बताया है इसके पहले, इसको मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं ये अब डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। इसके कंपेरिजन के लिए मैंने ये दोबारा लिया था। अब आप अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वहां पर क्या होगा, देखिए आपका ये लेंथ l है, तो आपका a से c तक का लेंथ क्या हो जाएगा l अंडर रूट 2, क्लियर, और ये चीज इसके बराबर है बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या है l बाई रूट 2, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी l बाई रूट 2, इसी तरीके से ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी l बाई रूट 2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या सम हो जाएगा B पॉइंट पर, C पॉइंट पर और D पॉइंट पर, तो B पॉइंट पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m l by root 2 होल स्क्वायर प्लस C के लिए m अंडर रूट 2 l होल स्क्वायर प्लस m l by root 2 होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, एम एल स्क्वायर बाई 2 एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई 2, इनको ऐड करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, यानी एम एल स्क्वायर प्लस 2 एम एल स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 3 एम एल स्क्वायर। देखिए कितना अंतर आ गया, तो जब परपेंडिकुलर होगा तो आपका होगा 2 बाई 3 एम एल स्क्वायर, और जब डायगोनल के पैरेलल है तो आपका सेल्फ हो गया 3 एम एल स्क्वायर। लेकिन बेसिक फंडा क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन।